कर्मचारियों के लिए झटका, अब कंपनियां इसके लिए बाध्य नहीं होगी कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरी सैलरी दें। अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को दूसरे राज्यों से अनुमति नहीं लेने की जरूरत है, इससे गंतव्य स्टेशन और राज्यों के बीच संचार का समय। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ग्रैंडरोल पार्टी कांग्रेस का मकसद सिर्फ बसों को खड़ा कर फोटो खिंचवाना है। कोरोना से लड़ाई में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बेहद प्रभावी, तेलंगाना सरकार की रिपोर्ट। नेपाल में फंसे 165 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की पहली विशेष उड़ान काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना हुई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सरकार ने अब तक 325 ट्रेन यूपी, बिहार और अन्य राज्यों में श्रमिकों को लेकर भेजी है। कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तर रेलवे ने एक दिन में बनाए 3000 पीपीई किट, अब तक तैयार किए कुल 44000 पीपीई किट। रांची में कोरोना जांच के लिए होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मोबाइल पर एसएमएस से मिलेगी रिपोर्ट। झारखंड में है 248 कोरोना पॉजिटिव मरीज। उदय सिंह कुमावत बनाए गए बिहार के स्वास्थ्य सचिव, संजय कुमार का तबादला पर्यटन विभाग में। कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा के परिसर में एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लॉकडाउन में सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक पुलवामा जिले के हाईटेक ग्रीन हाउस में निर्माण कार्य शुरू हो गया है। निजामुद्दीन के 126 आरपीएस स्टाफ ने पीएम केयर फंड में किया 2 लाख रुपए का दान, सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर ने कहा ये बहुत ही सराहनीय कदम है। बंगाल की खाड़ी में बना अम्फान तूफान आज शाम पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराएगा। तूफान अम्फान को लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से 450,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। चंडीगढ़ में 2 महीनों के बाद गोल्फ कोर्स फिर से खुला। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। सब कोई अंदर रहता है। Stay home, stay safe, Asian Paints.